जब मेरे बिना रहना होगा। तो व्हाट्सअप गाइज, उस टाइप के वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को इनशॉट ऐप को यहां से ओपन कर लेना होगा। अगर आपके पास ये वाला ऐप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इजीली इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग को वीडियो को एडिट करना है तो उसके लिए आपको वीडियो वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक न्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो न्यू वाले पे आप ऐसे टैप कीजिएगा और टैप कर लेने के बाद आपकी गैलरी की सारी वीडियोज आप लोग के सामने शो हो जाएगा। तो गाइस, आप लोग को जिस भी वीडियो को एडिट करना है उस वीडियो को आप अपने गैलरी से ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा और कर लेने के बाद सिंपल से नीचे साइड में राइट के आइकन पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा। कर लेने के बाद आपका वीडियो यहाँ पे ना इनशॉट ऐप के टाइमलाइन पे आ जाएगा और इसी वीडियो को एडिट करने वाले हैं। और यहाँ पे आपका भाई एक छोटी सी बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहता है कि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जो भी जानकारी दे रहा हूँ वो 110% रियल है। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक स्टेप आपका भाई बताने वाला है। तो सबसे पहले वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले यहाँ पे साइड में ना कैनवास का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर हम लोग टाइप करेंगे। टाइप कर लेने के बाद जिस भी रेशियो में आप अपने वीडियो को एडिट करना है उस रेशियो को आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट करके और सिंपल से नीचे साइड में यहाँ पे राइट वाले आइकन पे मैं क्लिक कर दूंगा। कर लेने के बाद अब हम लोग का वीडियो यहाँ पे एडिटिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने वीडियो वाले लेयर पे ऐसे एक बार टैप करेंगे और टैप कर लेने के बाद साइड में ऐसे स्क्रॉल करके इसकी वैल्यूम के आइकन पे जाके वैल्यूम को हम लोग 0% करके और सिंपल से हम लोग राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक कर लेने के बाद पहले स्टेप के अंदर मैं आप लोग को क्या बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो को कलर ग्रेड करेंगे पूरा, और दूसरे स्टेप के अंदर आपका भाई स्लो एंड फास्ट मोशन की एडिटिंग सिखाएगा, सेकी इफेक्ट डालना सिखाएगा, ब्लर इफेक्ट भी डालना सिखाएगा, म्यूजिक को भी ऐड करना बताएगा। एवरीथिंग जानकारी मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कलर को ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए वीडियो वाले लेयर पे आपको टाइप करने रहना होगा और साइड में ऐसे आपको स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग के सामने एक फिल्टर का आइकन मिलेगा, तो फिल्टर के आइकन पे आप लोग ऐसे टैप कीजिएगा। टैप कर लेने के बाद आप लोग को सबसे लास्ट में एडजस्ट का एक आइकन मिलेगा, तो एडजस्ट वाले में आप लोग चले आइएगा। और आने के बाद सबसे पहले इसकी लाइटनेस की वैल्यू ना हम लोग इंक्रीज करके थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसे हम लोग प्लस साइड में 10% कर लेंगे। कॉन्ट्रास्ट पे आएंगे, कॉन्ट्रास्ट को भी हम लोग थोड़ा सा बढ़ा के प्लस साइड में 5% कर लेंगे। और इसकी वार्म्थ वाली वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे डिक्रीज करके ना माइनस साइड में 5% कर लेंगे। आगे आके सेचुएशन की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 6% कर लेंगे। और ये सारी सेटिंग आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। कर लेने के बाद सबसे मेन काम जो हम लोग का होता है ना यहाँ पे HSL वाले में, तो HSL वाले पे आप लोग ऐसे टाइप कीजिएगा और आप लोग के सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको भाई बहुत ही आसान तरीके से समझा देगा। तो यहाँ पे वीडियो को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, 110% आप वीडियो को एडिट कर लेंगे। सबसे पहले जो ग्रीन कलर है ना, इसे और ज्यादा ग्रीन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हु वाले सेक्शन में ना ये जो ग्रीन वाला पार्ट है यहाँ पे येलो, तो येलो वाले को हम लोग पूरा ऊपर कर देंगे और ग्रीन वाले को भी पकड़ के हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे ना ऊपर साइड में करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। जैसे ही आप ऊपर कीजिएगा तो जो भी ग्रीन वाला पार्ट है वो और ज्यादा ग्रीन हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग को इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे सिचुएशन वाले में आना होगा। सिचुएशन वाले में आके ग्रीन कलर की सिचुएशन आप पूरा 100% कर दीजिएगा, जिससे आपका पूरा ग्रीन हो जाएगा बैकग्राउंड। और जो यहाँ पे येलो कलर है ना इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ब्लू कलर की सिचुएशन को भी आप लोग इंक्रीज कर लीजिएगा। और फेस को आप लोग को वाइट करने के लिए सिंपल से ऑरेंज कलर की यहाँ पे जो ये सिचुएशन है इसे आप लोग कम करके और यहाँ पे लूमिनस वाले में आना होगा। और यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ना ये जो ग्रीन कलर है इसको आप लोग इंक्रीज करके लाइटनेस को इंक्रीज लूमिनस को इंक्रीज कर लीजिएगा। सिंपल से गाइज ये सेटिंग कर लेने के बाद आप लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से राइट के आइकन पे क्लिक करना होगा और थोड़ा सा आप ऐसे आगे आइएगा, यहाँ पे हाईलाइट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो हाईलाइट वाले आइकन पे आके हाईलाइट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम करके -12 कर लेता हूँ। शैडो वाले में आके शैडो को इंक्रीज करके प्लस साइड में यहाँ पे 10% मैं कर लेता हूँ। आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ से राइट वाले आइकन पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा। और कर लेने के बाद अगेन आप लोग राइट क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप ये सारी सेटिंग कीजिएगा तो हम लोग का पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कलर आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छी सी ग्रीन टोन हम लोग के वीडियो के अंदर आ चुकी है।
लेकिन अगर इस वीडियो के अंदर हम लोग का स्लोमो भी ऐड हो जाती है, ये वीडियो देखने में और ज़्यादा झक्कास लगेगा। तो स्लोमो को ऐड करने से पहले हम लोग अपनी वीडियो की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अपनी वीडियो को ऐसे चलाएंगे। जहाँ से यहाँ से देख सकते हैं हम लोग का फालतू पार्ट है, तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को रोक के और ऊपर साइड में यहाँ पे एक आप लोग के सामने ना बहुत सा स्प्लिट का एक आइकन मिलेगा, तो स्प्लिट वाले पे आप क्लिक कर दीजिएगा और जो भी हम लोग का फालतू पार्ट है उसे आप लोग सिलेक्ट करके और ऊपर साइड में डिलीट के आइकन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दीजिएगा। अब हम लोग का यहाँ पे कोई भी फालतू पार्ट नहीं है। अब हम अपनी वीडियो को स्लोमो में कन्वर्ट करेंगे और आपका वीडियो ना ऐसा स्लोमो में होगा कि कहीं पर भी आपका वीडियो अटक अटक के नहीं चलेगा, बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपका वीडियो चलेगा। तो इस टिप्स को आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो सिंपल से आपको अपनी वीडियो के लेयर पे एक बार टैप करना होगा और साइड में ऐसे आप लोग को स्क्रॉल करना होगा और स्क्रॉल कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक स्पीड का आइकन मिलेगा। तो स्पीड वाले आइकन पे गाइज आप ऐसे टैप कीजिएगा और टैप कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शन मिलेगा, एक स्टैंडर्ड का एक कर्व का। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ये मैं आप लोग को समझा देता हूँ, फिर कर्व क्या होता है इसे भी मैं आप लोग को समझा देता हूँ। मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना कि कंप्लीट मैं नॉलेज आप लोग को देने वाला हूँ। तो स्टैंडर्ड में गाइज ये होता है कि इसकी ड्यूरेशन को अगर आप कम कर देंगे ना तो आपका पूरा वीडियो मतलब स्लोमो में हो जाएगा, पूरी वीडियो मतलब स्लोमो में ही रहेगा, कहीं पर भी आपका वीडियो फास्ट मोशन में नहीं होगा। अगर आप इसे बढ़ा देंगे तो आपका ये पूरा वीडियो मतलब फास्ट मोशन में ही रहेगा, कहीं पर भी स्लोमो में नहीं रहेगा। तो हम लोग को क्या करना गाइज ना, अपनी वीडियो को थोड़ा सा स्लो में करना है, थोड़ा सा फास्ट मोशन में करना है। तो ऐसे करने के लिए सिंपल से आप लोग को साइड में कर्व वाले आइकन पे टैप करना होगा। टैप कर लेने के बाद बहुत ही आसान तरीका आपका भाई बताएगा। तो सबसे पहले ऐसे लाइन को पकड़ के बीच में लाएंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। ऐसे एक डॉट को छोड़ के सभी डॉट के बीच में हम लोग एक एक और डॉट ऐड कर लेंगे। आप लोग भी ऐसे फटाफट से सभी डॉट को ऐड कर लीजिएगा। और गाइज कर लेने के बाद स्लोमो में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पहले डॉट को छोड़ के दूसरे डॉट को पकड़ के हम लोग ऐसे नीचे कर देंगे। अगर हम लोग तीसरे डॉट को छोड़ेंगे और ऐसे इसे भी पकड़ के हम लोग नीचे कर देंगे। फटाफट से गाइज ये प्रोसेस आप लोग कर लीजिएगा, कुछ इस टाइप से कर्व आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। कर लेने के बाद अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपका वीडियो जो स्लो एंड फास्ट मोशन में हो वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो, तो उसके लिए आपको ऊपर साइड में एक स्मूथ का आइकन मिलेगा, तो इस पे एक बार आप टैप कर दीजिएगा। टैप कर लेने के बाद यहाँ से आपको राइट वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और कर लेने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और आपका पूरे वीडियो ना स्लो एंड फास्ट मोशन में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ही बवाल हम लोग का वीडियो यहाँ पे देखने में लगेगा। तो यहाँ पे एक बार मैं चला के आप लोग को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कितना अच्छा सा हम लोग का वीडियो यहाँ पे स्लो एंड फास्ट मोशन में हो चुका है। तो सिंपल से आपका वीडियो कहीं पर भी अटक नहीं रहा है। तो आपका भाई आगे ये बताएगा ना कि कैसे आप अपनी वीडियो के अंदर म्यूजिक को ऐड करेंगे, ब्लर इफेक्टों को कैसे ऐड करेंगे, एवरीथिंग जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। म्यूजिक को ऐड करने के लिए सिंपल से हम लोग साइड में ऐसे स्क्रॉल करेंगे। कर लेने के बाद आप लोग के सामने एक म्यूजिक का आइकन मिलेगा, तो इस पे हम लोग ऐसे टैप करेंगे और यहाँ पे म्यूजिक वाले पे हम लोग एक बार और टैप करेंगे। और हम लोग को अपने वीडियो से म्यूजिक को लेना है तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे हम लोग ऐसे टैप कर देंगे। टैप कर लेने के बाद जिस भी वीडियो से आपको म्यूजिक को लेना है आप अपने गैलरी से उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं भी फटाफट से एक वीडियो को कहीं पर से एक उठा लेता हूँ, यहाँ से मैं इस वीडियो को लेता हूं और लेने के बाद सिंपल से मैं यहां पे राइट वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा और अगर मैं यहां पे राइट क्लिक कर दूंगा और हम लोग के वीडियो के अंदर ना यहां पे देख सकते हैं म्यूजिक ऐड हो जाएगा। तो म्यूजिक तो गाइज हम लोग का ऐड हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने वीडियो के अंदर ब्लर इफेक्ट को ऐड करना चाहते हैं तो ये भी आपका भाई बताएगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर साइड में सेव वाले आइकन पे क्लिक करके अपने वीडियो को यहाँ से सेव कर लेंगे। तो वीडियो को सेव हो जाने दीजिए, फिर आगे के स्टेप में आपका भाई ब्लर इफेक्ट को ऐड करना बताएगा जस्ट वन क्लिक में। ब्लर इफेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपल से हम लोग बीटा ऐप को यहाँ से ओपन कर लेंगे और जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो न्यू प्रोजेक्ट के आइकन पे हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और जिस वीडियो को अभी हम लोगों ने इंसॉर्ट ऐप में सेव किया उस वीडियो को ले लेंगे और तीर के आइकन पे क्लिक कर देंगे। कर लेने के बाद आपका वीडियो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और बीटा ऐप के टाइमलाइन पे आ जाएगा। तो ब्लर इफेक्ट को ऐड करने के लिए नीचे साइड में हम लोग स्क्रॉल करेंगे और आप अपने मोबाइल डाटा को ऑन रखिएगा तभी आप इन सारी प्रोसेस को कर पाएंगे। नीचे साइड में इफेक्ट के आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा, अगेन इफेक्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, साइड में ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा और आप लोग के सामने एक ब्लिंक का आइकन मिलेगा। तो ब्लिंक वाले में आके और आप यहां से हालो ब्लर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। कर लेने के बाद एक बार और टाइप करके ये सेटिंग आप लोग कर लीजिएगा और ये सेटिंग रख लेने के बाद राइट क्लिक कर दीजिएगा
और जहाँ तक आपको ब्लर इफेक्ट ऐड करना वहाँ तक आप इसे बढ़ा लीजिएगा। फिलहाल मैं बढ़ाने वाला नहीं हूँ और आपका वीडियो ना कुछ इस टाइप से एडिट होके आ जाएगा जो देखने में काफ़ी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। तो इस वीडियो को सेव करने के लिए एक्सपोर्ट के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका वीडियो आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।